क्रेजी फॉर किशोर विजय अमिन साहब, श्रेया आर्ट्स के राजेश ठक्कर जी, प्रतीक मेहता, भरत वाघेला एंड हीना मेहरा जी के सौजन्य से आप सब के लिए हम पेश कर रहे हैं देव साहब को सल्यूट करते हुए गाता रहे मेरा दिल। संगीत के बिना रह के क्या महसूस किया है आप सब लोग जानते हो। एक सीट छोड़ के एक बैठने का आशीर्वाद मिला है हम सबको। और मैं चाहूंगा विजय अमीन, राजेश ठक्कर, भरत वाघेला, हीना मेहरा जी, प्रतीक मेहता और ये सब कलाकार और हमारे सभी सिंगर्सों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दो साल के बाद हमें मौका मिला है और भगवान के आशीर्वाद से हम आप सबको प्रॉमिस करते हैं कि ये सिलसिला हमारा चालू ही रहेगा। और ये सिलसिला चालू रखने के लिए हमारे साथ स्टेज के मशहूर, जिनके बिना बहुत से प्रोग्राम अधूरे हैं, उनके नाम में इतना वजन है कि मैं चाहूँगा आपको जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हरदिल अजीज भीम सिंह जी। भीम सिंह जी आओ, पूरा स्टेज आपका है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये पूरा स्टेज आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आया है। कसम ऊपर वाले की आंखें तरस गई थी आप लोगों को देखने के लिए यार। दिल की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि बंदिशें खुल रही हैं, आओ मुलाकात करेंगे। बंदिशें खुल रही हैं, आओ मुलाकात करेंगे। मोबाइल जेब में रखना, देव साहब की बात करेंगे।
दोस्तों आइए फिर से एक बार सबकी कहिए कारवां लेकर ये तमाम कलाकार ऑर्गेनाइजर म्यूजिशियंस टेक्नीशियन आप सबके खिदमत में हाजिर है देव साहब के उन खूबसूरत गीतों के साथ जो ताजिंदगी हमारे साथ रहेंगे और रहती दुनिया तक इस दुनिया में रहेंगे। उनमें सबसे पहला गीत बेहतरीन गायक बेहतरीन इंसान मोहम्मद रफी साहब का है। इस गीत गाने के लिए मैं बुलाने वाला हूं एक बहुत ही प्यारे कलाकार को और उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि तमाम दोस्त तमाम बहनें तमाम मित्र मास्क लगाए रखिएगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल है हमें मानना है और इसी में हमारी सुरक्षा है। थैंक यू सो मच। तो आइए बुलाते हैं रफी साहब के गाए हुए फिल्म काला बाजार के देव साहब की फिल्म के इस खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं भारतीय रंगमंच के बहुत ही प्यारे गायक असलम परवेज जी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं ना कि राजेश खन्ना साहब जैसा क्रेज लड़कियों में किसी अभिनेता का नहीं रहा, लेकिन आज मैं ये हकीकत आपसे शेयर करना चाहता हूं कि राजेश खन्ना साहब से पहले अगर हिंदी सिनेमा के किसी हीरो का सबसे ज्यादा क्रेज लड़कियों में महिलाओं में रहा तो उनका नाम देव आनंद है। क्या आप यकीन कर सकते हो कि किसी अभिनेता को काले कपड़े पहनने पर बैन कर दिया जाता था, उन्हें रोक दिया जाता था कि आप काले कपड़े नहीं पहन सकते हो। कारण यह था कि देवानंद साहब अगर काले कपड़ों में कहीं बाहर नजर आते, शूटिंग के सेट पर नजर आते और उनकी चाहने वाली कोई महिला या लड़की वहां पर पहुंच जाती तो उनको देखकर बेहोश हो जाती।
इतने खूबसूरत देव साहब, हर कोई ये चाहता था कि देव साहब के करीब आए, देव साहब के सामने आए। हर कोई चाहता था, हर कोई दिल से कहता था कि देव साहब एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। आइए इसी फिल्म से एक बहुत ही प्यारा गीत आशीष श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ज्यादातर रोमांटिक गाने हैं, रोमांटिक गाने हर फिल्म में हैं देव साहब के। दर्द भरे गानों में भी उनके एक्सप्रेशन कमाल के हैं, और जब मैं के प्याले लेकर बैठते थे तो वो भी कमाल के हैं। लेकिन एक चीज है, मोहब्बत बहुत मायने रखती है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इश्क से बचा नहीं है कोई सवाली, इश्क वालों की रोज है ईद और दिवाली। इश्क करने से बेहतर का मजा मिलता है, इश्क सच्चा हो तो महबूब में खुदा मिलता है। इस नशीले रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीले रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है। तू कहाँ ये बता, इस नशीले रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना। उसने बता दिया कि भाई जितनी जिंदगी तुमने अच्छे पलों को जिया है, जितनी जिंदगी तुमने खुश होकर जिया है, जितनी जिंदगी तुमने
सारे ड्यूटीज पूरी करने के बाद अपने आप के लिए जिया है वो बेहतरीन जिंदगी है। ऑफ कोर्स ड्यूटी से मुंह मत फेरिए, कर्तव्य से मुंह मत फेरिए, लेकिन अपने लिए भी जिए, अपनी जिंदगी भी जिए, वरना बसताते रह जाएंगे आकाश। कहते हैं कि विदेश में एक नर्स ऐसे पेशेंट के साथ अपने तमाम जितने भी मरीज वहां पर आते थे जिनका अंत होना था उनकी जीवनी लिखी और उनसे पूछा है कि व्हाट वाज द रिग्रेट ऑफ योर लाइफ। तो उसमें से ज्यादातर लोगों को अपनी अचीवमेंट याद नहीं थी, सिर्फ रिग्रेट ही याद थी, सिर्फ अफसोस ही याद था कि मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं कुछ बनना चाहता था वो नहीं बन सका, मैंने फैमिलीज के वैल्यूज को देखते हुए उनके लिए अपनी सेक्रीफाई कर दी, मेरे पास वक्त था मैंने उसे वेस्ट कर दिया, मेरे पास वक्त था मैं उस दोस्त को नहीं मिला, मेरे पास वक्त था मैं उस महफिल में नहीं जा सका। तो याद रखिए आगे जो भी महफिल हो आपका अगर 10% डील करता है तो उस परसेंटेज को बढ़ाकर 100% कीजिएगा, जाइएगा, ठहाके लगाइएगा, खुश होइएगा, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। कब कहां किससे दोस्ती हो जाए अंदाजा नहीं होता, कब कहां किससे दोस्ती हो जाए अंदाजा नहीं होता, ये दिल नहीं मोहब्बत का घर है, इसमें दरवाजा नहीं होता। याद रखिएगा एक बहुत ही थैंकी, एक बहुत ही प्यारी कलाकार, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज सौम्या वर्मा जी तशरीफ ला रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इससे बात करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। भीम सिंह जी से मैं जब भी मिलती हूँ इतना ही कहती हूँ, खास तौर पे आपके लिए, कि संगीत के इंसाइक्लोपीडिया है, कॉन्सेप्ट शोज की जान है, खुशकिस्मती है कि भीम सिंह जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, बहुत मच। नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है सब मुझे आज लाइव आपको देखकर, वरना पिछला जो साल गया सब जानते हैं, याद नहीं करना चाहते, लेकिन बस चार पंक्तियां मुझे याद आ रही कि इतना कह सकती हूँ कि सोचा नहीं था कभी ऐसा वक्त भी आएगा, फुर्सत सबके पास होगी पर मिल नहीं पाएगा। फुर्सत सबके पास होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा, और सारे मुल्कों को नाश था अपने अपने परमाणु पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत है फिल्म जल थीफ से, आशा जी का अंदाज है, आपकी नजर कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सूखे फूलों में शान आ जाए, बेजुबा को जुबान आ जाए, मुस्कुराते हुए ताली बजा दीजिए, सारे प्रबोधन ठाकरे में जान आ जाए। Thank you.
इसके बाद इस बहुत ही खूबसूरत गीत को सचिन त्रिवर्धन साहब ने बनाया और आइए सुनते हैं। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? एक ही इंसान है जो अकेला आया है, फुल टू एंजॉय कर रहा है, बाकी सब भयभीत लग रहे हैं। बहुत साल के बाद आ रहे हैं ना सब लोग, अभी चिल्लाना भी तो सामने वाला बेचारा बोले धीरे चिल्ला। Thank you.
मना ले दुनिया साथ में छोटेगा आगे
उस अद्भुत कलाकार को भी लेकर आए जिसने
हमारे बॉलीवुड के गोल्डन एरा के लेजेंड्स के हूबहू रूप को फिल्म फेयर अवार्ड में प्रेजेंट किया, तो उस कलाकार की अनाउंसमेंट करने के लिए किंग खान सुपरस्टार शाहरुख खान साहब खुद आए हुए थे। वो कलाकार कौन है? रविंद्र शिंदे जी के साथ वो आर्टिस्ट वो परफॉर्मर आ रहे हैं बिल्कुल देव साहब के पास में। तेरे दिल से दिल पर दिल मेरा कहता है,
कसम से बोलता हूँ, ये टीवी सीरियल वालों को मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। हर एपिसोड में, हर कहानी में शादीशुदा आदमी के बीच में किसी और लेडी को घुसाड़ देते हैं। ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि ये महिलाओं को अलर्ट कर रहे हैं या सारे हस्बैंड वाइफ को आदत लगा रहे हैं कि तो ऐसा होता है, खुश हो रहे थे वो। हाँ सच्ची में यार, अभी कुछ कुछ लोग तो सीरियल देख के अफसोस कर रहे हैं, अपना लाइफ में देव की छेज नहीं है। ये गाना सुन, शोखियों में भूला जाए भूलो भाषा उसमें हुआ बचपन को
उसको भुला जा चला गया, जो खो गया मैं उसको
छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही कहूंगी
कि गुलशन का है वजूद गुलों से गुलाब से, इस मंच पर अस्तित्व हमारा है आपसे, इतनी सिल्तिजा है हमारी जनाब से, हो जाए गाना शुरू तालियों की थाप से। Yeah.
से हारे खेल अपना Thank you.
ये श्याम भाई हैं, इनके नाम भी श्याम है लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है, सीधा है, भोले हैं, मासूम है, आइए इनको सुनते हैं। Rup, rup,
बाहर के देशों में भी लाइव परफॉर्मेंस दिए हैं और आज तक आप रफी साहब के गीतों से और सराबर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। प्लीज ये ऑडियंस में दीवान है, दीवान है किधर है, ऊपर वाले दीवान है क्या कोई, ये बीच में एक हाथ उठाया हो तो प्रभु देवा लग रहे हैं, कोई दीवान है तो आ जाइए, दीवान ना हो प्यार करो सुनो रे हो, दिल का भार करो पुकार, प्यार करो सुनो, प्यार करो सुनो रे, लापता कांडवा
रिश्ता गाने कहाँ से प्यार के ऊंचाई इश्क की गहराई ओ चलो हमारे यहाँ से जाने क्या कर दिया ओ प्यार का नाम सुनो रे गाओ आप लोग प्यार का राग सुनो रे दिल का भर कर वो का प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे और एक ड्यूएट पेश करता हूँ ड्यूएट पेश करो देवानंद के साथ आशा पारे भी चाहिए ना अच्छा सर आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि देवानंद गरबा भी करते थे क्या बात है और सर अभी देवानंद के साथ आशा पारे हो चाहिए दुकान देसाई साहब के एक बार जोरदार ताली क्या बात है वाह साधना चाहिए साधना है ओके चाहिए फिल्म असली नकली तालियां रोकने नहीं चाहिए आप लोग की आप एंजॉय कीजिए देवानंद और साधना आ जाइए वापस आओ आओ वेलकम ऐसा मौका नहीं मिलेगा बार बार आपको
का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। कोई इंतजार कर ले, दो दिन के लिए कोई इंतजार।
Oh.
अरे ना